A is an integer such that a by 23 factorial equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus till plus 1 by 23. The remainder when a is divided by 13 is. इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस का। कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट क्या है? ये नंबर थ्योरी की कॉन्सेप्ट है जो कि डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। अगर हम लिखते हैं कि a congruent to b mod m, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि m जो है वो a माइनस b को डिवाइड करेगा, और यहाँ पे हमने m a b तीनों को इंटीजर डिफाइन किया है। तो अगर a congruent to b mod m लिखें, या b congruent to a mod m लिखें, या a माइनस b congruent to 0 mod m लिखें, तीनों ही सेम होंगे यहाँ पे। और एक चीज़, एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि अगर हमें पता है कि a congruent to b mod m है, तो हम लिखेंगे कि a पावर k congruent to b पावर k mod m होगा, जहाँ k इंटीजर है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर a congruent to b mod m है तो m तो a माइनस b को डिवाइड करेगा, और जहाँ a k और b इंटीजर्स हैं, a पावर k माइनस b पावर k के लिए हमारे पास a माइनस b एक फैक्टर आएगा। यानी m अगर a माइनस b को डिवाइड करता है तो a माइनस b इंटू समथिंग को भी डिवाइड करेगा, यानी a पावर k congruent to b पावर k mod m भी ट्रू होगा। और ऐसे ही एक दूसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी में हम कहेंगे कि a congruent to b mod m है और c congruent to d mod m है, तो ए सी जो है वो congruent to b mod m होगा, यानी ए सी congruent to b d mod m। ऐसा क्यों? ये आप छोटी सी डिवीजन वाली या डिविजिबिलिटी वाली प्रूफ से भी देख सकते हैं कि a congruent to b mod m है और c congruent to d mod m है, तो ए सी congruent to b d mod m कैसे आता है। और एक फाइनल प्रॉपर्टी हम देखना चाहेंगे कि a congruent to k mod m आता है और b congruent to k mod m आता है, तो हम लिख सकते हैं a congruent to b mod m। इससे ये भी सिंपल डिविजिबिलिटी वाली प्रूफ से आप देख सकते हैं। और एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स। यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर्स कुछ नई शब्द लग सकती है, क्योंकि हमने तो रिमाइंडर्स को हमेशा पॉजिटिव डिफाइन किया है, लेकिन नंबर थियरी में इन नेगेटिव रिमाइंडर्स को एक्चुअली किसी नंबर के मॉड के कॉन्ग्रुएंस क्लास में डाला जाता है। चलिए देखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर्स हम यहाँ पे किसे कह रहे हैं। अगर हम 29 को 8 के से डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें 5 रिमाइंडर आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? 29 इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस 5 लिखेंगे। लेकिन हम 29 को तो 8 इंटू 2 प्लस 13 भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 प्लस 21 भी लिख सकते हैं, या 8 इंटू 0 प्लस 29 भी लिख सकते हैं, या इवन हम 29 को 8 इंटू 4 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, या 8 इंटू 5 माइनस 11, और ऐसे एक्सटेंड करते जा सकते हैं हम। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जितने सारे आ रहे हैं हमारे पास प्लस में, 8 के जो मल्टीपल नहीं है, प्लस 5 प्लस 13 प्लस 21, वो सब एक्चुअली रिमाइंडर्स के ही एक क्लास में आते हैं, उसे कॉन्ग्रुएंस क्लास कह देते हैं। लेकिन हम सबसे पॉजिटिव और जो कि उस नंबर से कम हो, यानी डिवाइजर से कम हो, उस नंबर को रिमाइंडर लेके लिख देते हैं। और ये जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं उसमें आप एक पैटर्न देख सकते हैं, सब में डिफरेंस 8 का है, यानी हर दो कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर्स का डिफरेंस 8 आता है। तो ये हुई बात नेगेटिव रिमाइंडर्स की, और इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए नंबर हमारा क्या आएगा? वो होगा 23 फैक्टोरियल बाय 1 प्लस 23 फैक्टोरियल बाय 2 प्लस टिल 23 फैक्टोरियल बाय 13 प्लस टिल 23 फैक्टोरियल बाय 23। और ये बात ध्यान दीजिए, आप 23 फैक्टोरियल बाय 13 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स को देखेंगे तो उसमें 13 एज अ फैक्टर ज़रूर आएगा, क्योंकि 23 फैक्टोरियल बाय 13 में ही जो फैक्टर 13 है वो कैंसिल हो जा रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यानी कि जो भी रिमाइंडर आएगा 13 से डिवाइड करने पर, वो सिर्फ और सिर्फ 23 फैक्टोरियल बाय 13 के कारण आएगा। तो बस हम अब 23 फैक्टोरियल बाय 13 को एनालाइज करेंगे, बाकी सारे टर्म्स तो 13 से डिविजिबल होंगे ही। तो 23 फैक्टोरियल बाय 13 को अगर हम एनालाइज करें, 23 फैक्टोरियल बाय 13 का वैल्यू क्या आएगा? 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 टिल 14 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू टिल 2 इंटू 1, यानी बस 23 फैक्टोरियल में से 13 मिसिंग होगा। तो बेसिकली अगर हम 13 से डिवीजन देख रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंस वाले टॉपिक से आप रिलेट करना चाहेंगे, तो हम 13 की कॉन्ग्रुएंस क्लास देख रहे हैं, या
मॉडुलस देख रहे हैं 13 की। तो 13 की मॉड में आप देखेंगे अगर नेगेटिव रिमाइंडर्स को भी हम कंसिडर कर लें तो आपको मिलेंगी -3 23 के लिए, -4 22 के लिए एंड -5 -6 सो ऑन, और ऐसी मिलेगी 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, और ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 की प्रोडक्ट इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 की प्रोडक्ट इंटू 2 इंटू 1, ये सब के सब हम 13 से मॉड लेंगे नंबर्स की। तो हमने नेगेटिव रिमाइंडर्स इसलिए कंसिडर किया क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो कम हो जाएगी। हम 12 को रिप्लेस कर देंगे -1 से, 10 को रिप्लेस कर देंगे -3 से, ऐसे करने से हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। तो आगे बढ़ने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स हमारे पास यानी माइनस वाले, तो हम उन सारे टर्म्स को पॉजिटिव कर देंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट के बाद तो सब पॉजिटिव हो जाएगा और हमें मिलेगा 3 × 4 × 5 × 6 होल का पावर 4 × 8। अभी आप अगर कॉन्ग्रुएंस देखना चाहेंगे तो 3 × 4 को 12 लिख दिया हमने, 6 × 5 को 30 लिख दिया, तो 12 × 30 पावर 4 प्लस इंटू 8, तो 12 का कॉन्ग्रुएंट -1, 30 का कॉन्ग्रुएंट 4 होल पावर 4 × 8, तो हमें फाइनली मिलता है 16 का स्क्वायर × 8। 16 का कॉन्ग्रुएंट हम देखेंगे तो -3 आ जाएगा यानी 3 स्क्वायर × 8। 3 स्क्वायर × 8 का वैल्यू है 72, और 72 को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो हमें जो रिमाइंडर आएगा 7, यानी 72 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 13 लिख सकते हैं। तो फाइनली इस नंबर का जो रिमाइंडर आएगा वो हम 7 कहेंगे, तो हमारा आंसर 7 आ जाता है। धन्यवाद।